नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे रही है। स्वतंत्रता का अनुभव करना इसका पूरा श्रेय क्रांति ज्योति सावित्री बाई को है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले को उनकी जयंती पर बधाई देते हुए कहा है कि क्रांति ज्योति सावित्री बाई के कार्यों के लिए पूरा देश कृतज्ञ है। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्रांति ज्योति सावित्री बाई सही मायने में देश में महिला शिक्षा की जननी है। सावित्री बाई ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले को सावित्री बाई ने उनके सभी कार्यों में सहयोग दिया। महात्मा फूले ने देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू किया और उस स्कूल में पहली महिला शिक्षिका बनने का दायित्व सावित्री बाई ने सफलतापूर्वक निभाया। नमस्कार, मैं नूतन रेवतकर, सामाजिक कार्यकर्ता। आज 3 जानेवारी सावित्रीबाई फुले यांची जयंती, म्हणजे आम्हा महिलांसाठी अगदी उत्साहाचं वातावरण। आज सणासारखा दिवस आम्ही हे साजरा करतो आहे, कारण की सावित्रीबाई होत्या म्हणूनच आज मी इथे कॅमेरासमोर बोलत आहे। ह्याचं श्रेय सर्वस्वीपणे आदरणीय सावित्रीबाई फुलेंनाच जातो, कारण ज्या काळामध्ये महिलांना चूल आणि मूल इतकंच होतं, महिला बाहेर निघू शकत नव्हत्या, अशा काळामध्ये सावित्रीबाईंनी पुढाकार घेऊन मुलींच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला, शाळा सुरू केली। त्यासाठी त्यांना अनेक लोकांची शिवी खावी लागली, इतकंच नाही तर शेणाचा मारसुद्धा खावा लागला, पण तरीही स्वतःची काहीही पर्वा न करता त्यांनी मुलींना शिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला। आणि इतकेच नव्हे, त्या काळामध्ये त्यांचे पती महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुद्धा त्यांना पुरेपूर सहकार्य केले, आणि त्यांच्या सहकार्यामुळे त्या इतक्या पुढे गेल्या आणि आम्हा महिलांना पुढे येण्याचं सौभाग्य लागलं। या दिनी आम्ही त्यांना नमन करतो आणि त्यांचा वसा घेऊनच आम्ही यापुढे जीवनात काम करू। आम्ही सावित्री माईंनी तर अख्ख्या जगाला एक संदेश दिला, पण आम्ही फूल का होईना फुलाची पाकळी काही महिलांना पुढे नेऊ, ह्याचा आम्ही या दिनी विश्वास व्यक्त करतो। धन्यवाद। क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जिस उस समय जो प्रथा परंपरा किसी भी प्रकार की नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश में अपने जो ये लोग थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनको पढ़ाने का काम, उसमें भी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था, लेकिन उनको सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, इन्होंने इनको पढ़ाई नहीं हो, जब तक के नहीं होगी, उनका शिक्षण नहीं होगा तब तक के उनका उद्धार हो नहीं पाएगा। उस वो महिलाओं का उद्धार करने वाली माता ज्योति सावित्रीबाई फुले हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम उस समय किया, उनके जो विचार है आज भी अपने को जनमानस में पहुंचने का काम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे सेल के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे महिला पदाधिकारी, ये सब लोग करने जा रहे हैं। यहाँ से इधर आगे में सावित्रीबाई फुले और ये जो थोर महात्माएं हो गई है, पुरुष हो गए हैं, उनका अभिवादन करने हम यहाँ पे आए। फूले दंपत्ति के कार्य और स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।